दोस्तों आज हम बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ की 5 ऐसी गंदी और शर्मनाक हरकतों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने शराब के नशे में की थी। आपको बता दें कि कैटरीना की इन हरकतों की वजह से बॉलीवुड के भाईजान और दबंग खान यानी कि सलमान खान की भी पतलून गीली हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पूरे बॉलीवुड में शर्मसार होना पड़ा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो इस वीडियो में कैटरीना की चौथी हरकत को न देखें, क्योंकि यहाँ पर नशे में कैटरीना ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हरकत नंबर 1, सलमान खान की बेइज्जती। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन से जब सलमान खान का अफेयर चल रहा था, तब कई बार नशे की हालत में सलमान उनके घर पहुंचे और हंगामा कर दिया। ऐश्वर्या राय को भला बुरा कहा और देर तक चिल्लाते रहे। ऐसा ही कुछ किस्सा उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ दोहराया, लेकिन ऐश्वर्या राय की तरह कैटरीना कैफ सलमान की गालियां सुनकर चुपचाप नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने भी शराब पीकर सलमान की पतलून गीली कर दी थी। दरअसल बात 2009 की है, जब कैटरीना और सलमान की नहीं बनी तो रणबीर कपूर की तरफ कैटरीना आकर्षित हो गई। यह पता चलते ही सलमान आपा खो बैठे। नशा करके वो कैटरीना के घर पहुंचे और कैटरीना को अपशब्द कहने लगे। उन्होंने कैटरीना को कहा कि वे रणबीर कपूर की खातिर उन्हें छोड़ रही हैं, जो कि गलत है। रणबीर उनका दिल तोड़ देगा, लेकिन सलमान खान को क्या पता था कि कैटरीना पहले से ही एक पूरी शराब की बोतल पीकर बैठी हुई है। फिर क्या था, कैटरीना ने भी सलमान को गालियां देनी शुरू कर दी, जिससे सलमान का सारा नशा उतर गया और वो वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हरकत नंबर 2, फैंस के सामने उतारने पड़े कपड़े। कैटरीना कैफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन फैंस के लिए वह परफॉर्म करती हैं, जिन फैंस को अपनी फिल्मों के जरिए वह एंटरटेन करती हैं, वही फैंस उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे। यहाँ वैसे कैटरीना के सभी फैंस की बात नहीं हो रही है, बल्कि फैंस के एक ऐसे वर्ग की बात हो रही है जिसने हाल ही में कैटरीना की सरेआम बेइज्जती की। कॉन्सर्ट टीम से जुड़े एक सूत्र ने सच के बारे में बताते हुए कहा कि कैटरीना लगातार रिहर्सल कर रही थी और लगातार ही परफॉर्म कर रही थी। बस वही एक छुट्टी उन्हें मिलनी थी और रिहर्सल के तुरंत बाद उन्होंने शराब का एक जोरदार पैग ले लिया। थोड़ी देर बाद उनका नशा बढ़ने लगा। कुछ देर तक तो कैटरीना ने अपने फैंस को प्यार से रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें थोड़ा टाइम दे दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद नशा जब ज्यादा होने लगा तो कैटरीना को गुस्सा आ गया और वो भड़क गई। कैटरीना को बदतमीजी से बात करते देख फैंस भी भड़क गए और कैटरीना का होटल के बाहर ही इंतजार करने लगे, ताकि जब कैटरीना बाहर आए तो वह उनकी इंसल्ट कर सके। हरकत नंबर 3, जब शूटिंग पर गई थी शराब पीकर। फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग के दौरान ही कैटरीना को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दरअसल फिल्म के एक शॉट से अनुराग बासु खुश नहीं थे। इस शॉट को कैटरीना डायरेक्टर के कहने के अनुसार नहीं कर पा रही थी। जब डायरेक्टर अनुराग को पता चला कि कैटरीना दारू पीकर आई है, तो वो झल्ला गए और उन्होंने कैटरीना को बुरी तरह से डांट दिया। जब अनुराग कैटरीना पर चिल्ला रहे थे तो रणबीर कपूर भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए अपने डायरेक्टर से उलझना ठीक नहीं समझा और वो चुपचाप कैटरीना को डांट खाता देखते रहे। माना जा रहा है कि कैटरीना और अनुराग के बीच फिल्म के शुरुआत से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और अब तो एक सीन गलत करने पर अनुराग ने पूरी यूनिट के सामने ही कैटरीना को डांट दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद एक सदस्य के अनुसार अनुराग बहुत जोर से कैटरीना पर चिल्लाए। हालांकि डांट के बावजूद कैटरीना ने अपना प्रोफेशनल रुख नहीं छोड़ा और बिना जवाब दिए काम करती रही। लेकिन सबसे दिलचस्प रहा इन सब में रणबीर कपूर का शांत रुख। वो लगातार अपनी पार्टनर को अपने करीबी दोस्त से डांट खाते देखते रहे। अनुराग और रणबीर के बीच काफी अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। हरकत नंबर 4, ड्राइवर के सामने हुई शर्मसार। दरअसल कैटरीना कैफ कुछ दिनों पहले आदित्य राय सॉन्ग डिनर डेट पर गई थी, और साथ ही कैटरीना ने उस दिन कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। नशे में टल्ली कैटरीना के पैर इधर उधर पड़ रहे थे और इसी बात की जानकारी उनके अलावा सिर्फ ड्राइवर को थी। लेकिन वहां पर मीडिया का जमावड़ा देख पहले तो कैटरीना को काफी हैरानी हुई, लेकिन बाद में फिर उनका शक ड्राइवर पर गया। दरअसल अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहती हैं, और वो तो मीडिया के सामने भी इसे लेकर चर्चा बहुत कम करती हैं। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि उनका ड्राइवर उनकी ही पर्सनल बातें मीडिया में लीक कर रहा है, जिसे लेकर कैटरीना ने ड्राइवर पर गुस्सा उतारा और उसे नौकरी से निकालने तक की धमकी दे डाली।
हरकत नंबर 5, नशे में खाया सलमान का थप्पड़। साल 2008 की रिपोर्ट को माने तो कैटरीना से लड़ते हुए सलमान का गुस्सा इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि उन्होंने सबके सामने कैटरीना को थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, सलमान ने शराब के नशे में कैटरीना के घर के आगे भी काफी तमाशा किया था। इसके बाद से कैटरीना ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया और ये रिश्ता टूट गया। तो दोस्तों, बॉलीवुड की इस नशेबाज अभिनेत्री के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।